तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सैटरडे में आना हुआ था वहाँ से, मुजफ्फ़रनगर से, और 2 दिन यहाँ रुकने के बाद फिर दोबारा मुजफ्फ़रनगर जाना हुआ किसी काम की वजह से। मगर मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाया, जिसकी वजह ये रही, कुछ मोबाइल भी ख़राब था मेरा, कैमरा ख़राब था, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बन पाए। और फिर मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा कि मैं बार बार आपको लोगों को मुजफ्फ़रनगर ही दिखाता रहूँ, तो इस वजह से मैंने वीडियो वहाँ की नहीं बनाई। नगर मुजफ्फरनगर पहले मुझे लेके गए थे, अब भैया को लेके। आपकी बार मेरे साथ रैयान गया था सैटरडे को, हाँ, मगर हम वहाँ की वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बस बहुत जल्दी में आना जाना हुआ, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना। तो दोस्तों, मुजफ्फरनगर में एक कमाल का काम हुआ मेरे साथ। जब मैं जुहान को लेकर गया, आपने पिछली दफ़ा देखा होगा तो जुहान मेरे साथ था, तो वहाँ पे रात को जुहान 2 रातें रोया और रोने के बाद बोला कि डैडी मुझे हानिया की याद आ रही है और आप घर चलो जल्दी से। 2 रातें ऐसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया और खैर मैं इसको घर ले आया था। फिर रैयान ने मुझसे कहा कि डैडी अब की बार मैं चलूँगा आपके साथ, तो मैं रैयान को ले गया। वहाँ पर जाने के बाद रैयान भी रोया रात को कि डैडी मुझे हानिया की याद आ रही है। अभी दोनों भाइयों की बहुत चहेती बहन है ये, और दोनों इससे बिल्कुल भी दूर रह नहीं सकते, और वो क्या मैं भी नहीं रह सकता। हानिया की तो वाकई में याद आती है कहीं पर भी जाके, जिसकी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ गया वहाँ से। दोस्तों ये देखिए, हानिया आ चुकी है नहाकर, अभी नहाना ही करिए हानिया ने। हानिया निप्पल निकालना अभी इसका। हानिया बात कर लो। हानिया के भी हमने 2 दिन से काजल, 4 दिन से तकरीबन काजल लगाना शुरू करा है, और देखिए उसकी आइज़ कितनी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। दिखाना। देखिए गाइज़, उसकी आइज़ कितनी बड़ी बड़ी नज़र आ रही है हानिया की, वो कितने गौर से देख रही है मोबाइल को। हानिया आपने नहीं नहीं कर ली? अभी हानिया तैयार होने जा रही है, नहा लिए वो, तैयार होने जा रही है। तो दोस्तों अभी ये देखिए, मेरा बैग रखा हुआ है, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ, अभी कपड़े निकाले नहीं हैं इसके अंदर से। रैयान शायद बाहर है, और ये देखिए दोस्तों, बाहर का भी सारा गंदा हो रहा है। ये देखिए कितने सारे वो मच्छर की तरह नहीं आते, भूंगे जिन्हें बोला जाता, भूंगे, वो कितने सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे भूंगे आए हुए हैं यहाँ पे, और बाहर का सारा ही गंदा हो रहा है। अभी यहाँ की धुलाई करेंगे, गाड़ी की भी बहुत बुरी हालत है, बहुत गंदी हो चुकी है गाड़ी भी, अभी गाड़ी की भी धुलाई होगी सब, अभी यहाँ की सफाई करेंगे सब, क्योंकि मैं होता हूँ तो मैं ही धोता हूँ यहाँ पे, बाहर की सारी धुलाई वगैरह मैं अपने हाथ से ही करता हूँ डेली। ये देखिए रैयान है हमारे, रैयान साहब, देखिए मैं 4 दिन घर पे नहीं था, सारे जाले वगैरह लग गए यहाँ पे, ये लगे हुए सब जाले वगैरह लग गए मेरे ना होने से। अभी मैं यहाँ पर सब सफाई करूँगा बाहर की, क्योंकि घर के अंदर की तो फातिमा सफाई करती है, बाहर की तो खैर मैं ही करता हूँ। यहाँ की सारी धुलाई वगैरह अभी बहुत गंदा हो रहा है ये हिस्सा, तो अभी आपको दिखाते हैं, आगे धुलाई भी करते हुए आपको दिखाएंगे। यान मेरे साथ गया था मुजफ्फरनगर, मगर उसे मुजफ्फरनगर बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसका 3-4 दिन में उसकी हालत ख़राब हो गई, और मुझसे कहना है डैडी बस आप घर चलो, बल्कि ये कल तो रोने भी लगा, और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी वहाँ निकलने से पहले। जो मेरी बहन है उन्होंने चावल बनाए थे दोपहर में, फ्राइड राइस बनाए थे उन्होंने, तो फ्राइड राइस जो हैं वो तो चावलों के ही बनते हैं, मगर मुझे अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैंने जुमे वाले दिन चावल खा लिए तो मुझे नींद बहुत आती है, और कल जुमा ही था और मैंने जब चावल खाया तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मगर मैंने बोला भी रैयान से कि रैयान मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मुझसे गाड़ी नहीं चलने की, मगर रैयान का तो बस रोने का था कि बस मैं रो लूँगी जिस तरह से यार मुजफ्फरनगर पर बैठ के। तो मैं इस चक्कर में रैयान को लेकर निकल गया वहाँ से। खैर इंशाल्लाह हम 2.5-3 घंटे में साथ फेरे से अपने घर पर आ गए, और रैयान पूरा खुश हैं। जोहान मैं ज़्यादा दिन रुका था भैया, कम दिन रुका। हाँ जोहान तो 3 दिन रुका, नहीं, और 3 दिन में 4 दिन, जोहान 4 दिन रुका और रैयान पौने चार दिन नहीं मतलब 2 दिन, रैयान 2 दिन रुका, 2 दिन के अंदर उसका दिल भर गया, कह रहा डैडी बस चलो यहाँ से निकलो किसी तरह से। तो दोस्तों आज घर पर हैं, सैटरडे का दिन है और बस आराम किया जा रहा है,
अभी बाहर की धुलाई स्टार्ट करेंगे। और जोहान हमारा खा रहा है, क्या खा रहा जोहान? नटखट। नटखट तो हानिया है, हानिया को खा रहे हो? जोहान हमारा खा रहा है। तो आप हमारे साथ एंड तक वीडियो तक बने रहिए, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते रहेंगे आपको। जो जो आज हमारे साथ होता रहेगा वैसे वैसे आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, अपने घर की अपने रहने का तौर तरीका आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ एंड तक वीडियो बने रहिए। और दोस्तों इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। मैं वीडियो की बहुत कोशिश करता हूँ डालने की कि मैं आपको डेली एक ब्लॉग दे सकूँ, मगर अभी थोड़ा सा किसी चीज़ में उलझा हुआ चल रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको डेली ब्लॉग नहीं दे पा रहा। और मेरा जो मकसद है वो आपको ये है कि मैं आपको डेली अगर ब्लॉग दूँ ना तो दोस्तों कुछ नया हट हट कर दूँ, कुछ रोज़ नया दूँ। इस वजह से मैं अभी मुजफ्फ़रनगर के हफ्ते में मेरे दो चक्कर लग गए, मगर मैंने एक दफ़ा आपको दिखाया मुजफ्फ़रनगर, दोबारा मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि अच्छा ही लगता मैं एक ही चीज़ आपको बार बार दिखाऊँ। तो अभी कुछ भी नया होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा नई वीडियो के साथ, आपसे के साथ ऐसे ही मिलता रहूँगा आपके साथ। दोस्तों अभी हम इस वाले कमरे में आ गए थे क्योंकि हमारी हानिया मैडम जो है वो कपड़े बदल रही थी, अपने कपड़े चेंज हो रहे थे उनके, तो हम इधर आ गए। और अभी देखते हैं चल के कि हानिया तैयार हो गई नहीं, अभी वहीं जाते हैं हम, देखते हैं हानिया को, हानिया ने कपड़े पहन लिए कि नहीं। चलो भाई चलो। अरे हानिया ने कपड़े पहन लिए? हानिया हानिया इधर देखो, इधर आज भी लगाया काजल। अरे काजल दोबारा लगाया आपकी हुई, कितनी बड़ी बड़ी आई दो रही है माशाल्लाह से। चलो निप्पल निकालो, निप्पल निकालो, ये निप्पल निकाल दो, निप्पल निकाल दो, फिर आपके छोटे छोटे से होंठ नज़र आते हैं ना, ये छोटे छोटे से होंठ, छोटी सी नोजी है हानिया की, छोटे से होंठ हैं। तो अभी हानिया दोस्तों हो गई है तैयार, कपड़े पहन लिए हैं, नहा ली है। हन्नो हन्नो बात करके दिखाओ जल्दी से, बात करो, हेलो करो, हेलो हेलो बोलो जल्दी से, बोलो हेलो, बोल दो हेलो। अच्छा मोबाइल के आगे नहीं बोलती कुछ भी? हाँ हाँ कौन है ये, कौन है? हाँ नहीं आया भाई, ज़ोर से बोल दो, ज़ोर से, ज़ोर से बोल दो। बेटा चाबी बाहर ही होगी, लॉक लगा हुआ है बाहर। हाँ नहीं बोलो, देखो हानिया वो देखो, लाइट जल्दी है, लाइट हानिया, लाइट जल्दी है, लाइट तो। दोस्तों जोहान की मम्मा ने जोहान को दी है एक ड्यूटी कि तुम हानिया को चुप करा के रखो, मैं पराठे बनाती हूँ नाश्ते में, और हम नाश्ते में पराठे खाएंगे अभी। तो जोहान अपनी बहन को चुप कराने के में लगा हुआ है मुस्तकिल। तो देखिए दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:15, और आज हम लोग लेट उठे हैं थोड़ा सोकर, तो अभी हमारे यहाँ नाश्ता नहीं हुआ है। आइए देखते हैं पराठे किस तरह के बने हैं। मगर दोस्तों यहाँ पराठे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे किचन के अंदर। विम जेल मंगाया फातिमा ने, लग रहा है आज हम पराठों के साथ विम जेल खाएँगे। देखिए दोस्तों कहीं पर भी पराठे नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे पराठे बनाने की कोशिश की गई है क्योंकि आटा फैला हुआ है चारों तरफ। तो दोस्तों अभी एक मीशो ऐप से एक पार्सल आया हमारे पास, जो कि मेरी एक बड़ी सिस्टर है, उन्होंने ऑर्डर किया था। उन्होंने एक बाउल का सेट था, बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत, वो उन्होंने ऑर्डर किया था। मगर वो मीशो ऐप वालों ने फ़ोटो तो इतना बड़ा डाल रखा है, काफ़ी बड़ा, और जब वो पार्सल घर पर आया तो वो बाउल हमें छोटे लग रहे हैं देखने में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो पार्सल जो मीशो ऐप से आया है, और इसके अंदर हैं बाउल, ये तीन तरह के बाउल हैं, एक ये वाला है, एक ये बड़े साइज़ में है, नीचे सबसे बड़ा साइज़ है, फिर ये दो दो जो हैं ये सेम साइज़ के छोटे वाले। और ये देखिए ये खुलने के बाद कुछ इस तरह का है, ये भी काफ़ी हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और इसके अंदर ये
एक इन्होंने ये जो सिस्टम दे रखा है ना, इसे हम गरम खाना रखते हैं, तो ये भाप निकलने के लिए इन्होंने ये भाप निकलने के लिए जगह दे रखी है इन्होंने। ये ढक्कन इसके ऊपर आ जाएगा और जैसे हमें इसकी भाप निकालनी है खाने की, तो हम इससे एडजस्ट करके उसकी भाप निकाल सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल में बना हुआ है, ये शीशे का है, कांच का, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, खूबसूरत आइटम है ये। हमने मीशो ऐप से मंगवाया है तो चाइनीज़ आइटम। चाइनीज़ में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि इसको संभाल के इस्तेमाल करें, ज़मीन पर देकर ना मारें, कहीं ये टूट ना जाए, और जब भी इसको धोएं तो सिर्फ पानी से धोएं और पानी हमेशा गीला इस्तेमाल करें। और दोस्तों चाइना के अंदर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी के घर पे खाना भेजना हो तो इस बर्तन में बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि वो रख लेंगे फिर अपने घर पे ही, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे मटेरियल का बना हुआ है। इसको अपने घर में छुपा के रखें हमेशा, अंदर इसके लिए एक अलमारी में एक कबर्ड अलग से बनवा लें जहाँ पर इसको रख लें संभाल के। ये सब चाइना वालों ने इसमें लिख रखा है। गाइज़ आप लोग तो पढ़ नहीं पाते, इस वजह से मैंने खुद पढ़ के आपको बता रहा हूँ, जो भी इसके इंस्ट्रक्शन थे लिखे हुए थे, सावधानियाँ जो थी इसकी, वो मैं सब बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने यही बोला है इसके अंदर। ये देखिए सबसे नीचे वाले लाइन में तो उन्होंने ये लिख रखा है कि हमेशा इसको मेहमानों से छुपा के रखें, क्योंकि ये खुद चोरी का माल है, कहीं पकड़ा गया तो और बेइज्जती होगी, इस वजह से हमेशा इसे छुपा कर ही रखें। दोस्तों काफ़ी अच्छा सेट है बाउल का, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मगर बस थोड़ा सा फ़र्क यही आया है इसके अंदर के जो ये मीशो वालों ने जो डाल रखा था, ये स्क्रीन पे मोबाइल की स्क्रीन पे जब हमने देखा था तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा था, मुझे तो लग रहा था वो ट्रक वगैरह में रख के लाएंगे जब वो डिलीवरी हमारे यहाँ करने आएंगे, मगर वो तो साइकिल पे रख के लिए आया इसको, ज़रा सा बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है, तो देखने में कुछ लगती है चीज़ जब आती है घर पर, जब पता चलता है उसका सही साइज़ किस तरह की है वो। अभी मैंने फातिमा के लिए थोड़े दिन पहले एक सूट मंगाया था, तो वो फ़ोटो में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में, प्रिंट उसका इतना अच्छा था देखने में, मगर जब वो हमने मंगाया ऑर्डर करा, ज़्यादा महंगा नहीं था, 483 या 486 रुपये का था, ज़्यादा महंगा नहीं था, तो खाली हमने ट्राई बतौर ही मंगवाया था कि पहले ट्राई करते हैं किस तरह के सूट हैं, मगर वो आ तो गया। अब वो उसका प्रिंट मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि वो एक धुलाई में उसका प्रिंट चला जाएगा, कपड़ा भी काफ़ी हल्का है, प्रिंट भी काफ़ी हल्का है, तो जो भी ऑनलाइन चीज़ लें देख के लें, ध्यान से लें, कई दफ़ा फ्रॉड भी हो जाता है। अभी खैर मैं इसको फ्रॉड नहीं कहूँगा, ये बाउल का सेट काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है देखने में, और जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, एकदम नई आइटम है, मुझे बहुत अच्छी लगी। सूट अच्छा नहीं लगा था मुझे, सूट में थोड़ा सा मुझे फॉल्ट लगा था कि हाँ सूट सही नहीं आया फातिमा का, मगर इस बाउल के अंदर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई देखी कि हाँ बाउल की जो क्वालिटी है ना, जो जिस मटेरियल से बना हुआ है। और दोस्तों सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, अभी जैसे आपको याद होगा पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में भी कुछ ध्यान आ रहा होगा देख के, जो मैं पहना हुआ हूँ ये भी मुझे वहीं से मंगा के दिया था फातिमा ने, ये अच्छा है, इसकी 2-3 दफ़ा धुलाई भी हो चुकी है, कपड़ा भी अच्छा है, पहनने में बहुत कंफर्ट है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन चीज़ें सारी ख़राब होती हैं, बहुत सी बाई चांस निकल जाती हैं, हम सही से नहीं देख पाते या वो लोग सही से नहीं दे हमको दे पाते सही से, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। बाकी मीशो ऐप जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर, बहुत रीज़नेबल रेट पर हैं, मैंने खुद कई चीज़ें अभी रैयान की मैंने टी शर्ट मंगाई, जोहान की टी शर्ट मंगाई, अच्छा कपड़ा था, अच्छे रेट थे, मतलब नॉर्मली जो टी शर्ट हमें बाहर 250 रुपये की मिलती है वो उस पर 165 रुपये की, 160 रुपये की है, तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी और आइटम है उस पर पड़ी हुई, अभी मैंने उस पर से सेल्फ़ी स्टिक भी देखी थी, जो सेल्फ़ी स्टिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं भी सस्ती लाया था, 150 रुपये के आसपास थी शायद, और उस पर भी इतने की है, तो बहुत सी जगह सेम प्राइस हैं, बहुत सी जगह सेम रेट हैं, तो अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो मीशो ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेडीज़ सूट वगैरह, लेडीज़ परफ्यूम, लेडीज़ मेकअप का सामान, मतलब हर आइटम है उस पर, और बहुत रीज़नेबल रेट पर है मेरे हिसाब से। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर की धुलाई करने हैं, गाड़ियों की धुलाई करने हैं, क्योंकि टाइम बच चुके हैं 3, सारा दिन ऐसे निकल जाएगा देखते देखते। तो चलिए बाहर का आपको दिखाते हैं, बाहर की गाड़ी धोते हुए, बाहर की सफाई करते हुए, जो अपने हाथ से करनी पड़ती है, क्योंकि ये गली जो है हमने कवर कर रखी है, छोटी गली है जिसमें हमारा फ्लैट है, तो हमने ये गली कवर करवा दी थी, तो इसकी ज़िम्मेदारी हमें ही रखनी पड़ती है, इसकी साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी हमारी है कि यहाँ पे कूड़ा ना हो, गंदगी ना हो, अगर हम अपने आसपास की जगह साफ़ रखेंगे तो हमारा जो घर है वो भी साफ़ रहेगा। फ़िलहाल तो घर साफ़ हो नहीं रहा क्योंकि अभी सफ़ाई चल रही है, फातिमा ने सफ़ाई स्टार्ट करी है अभी। तो दोस्तों पानी चला गया था, जब मैं गाड़ी धोने के लिए बाहर की धुलाई करने के लिए उठा तो पानी जा चुका था,
पता नहीं आज क्यों पानी चला गया दोस्तों, मगर जाता नहीं है कभी भी। अभी शाम के बज चुके हैं 5, 5:30 और पानी अभी तक नहीं आया है। मैं इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ कि आज पानी आएगा तो बाहर की धुलाई होगी। अभी रयान जवान भी बैठे हुए हैं और रयान चाय लाया है बना के मेरे लिए। मैं दोस्तों मैं सो गया था, सो गया, अभी दोबारा उठाऊँ 2 घंटे की नींद ले ली, मगर अभी पानी आता है तो पानी के साथ हमारा काम आगे स्टार्ट होगा। तो दोस्तों जिस जगह पे हम रहते हैं वो जगह, उस जगह पे बंदर इतने आए हुए हैं। 2 बंदर तो हमारे घर में है ही पहले से। एक हानिया। नहीं, हानिया बंदर नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पे बंदर इतने आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं इतने बंदर। लॉकडाउन में इन्हें काम नहीं मिल रहा यूपी में, इस वजह से इन्होंने दिल्ली का रुख करा है शायद। बस पता नहीं इतने बंदर आए हुए हैं। अभी इन्होंने हमारा वाईफाई का तार भी तोड़ दिया, लोगों की टंकियाँ तोड़ दी, पानी के ऊपर जो सिंटेक्स वगैरह रखी हुई होती हैं वो भी तोड़ दी। बहुत गुस्से में हैं मुझे लग रहा है, बस पता नहीं दिल्ली बर्बाद करके छोड़ेंगे ये। और यहाँ पे सारा दिन उछलते रहते हैं। अभी पड़ोस में ही हमारे यहाँ जो परेस वाली आंटी जो आती हैं, तो जहाँ पे जिस जगह पे वो परेस करती हैं वहीं पर ही एक पार्क है, उसके अंदर एक बच्चे को बंदरों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। उसे नोच लिया, काट लिया उसके हाथों पर पैरों पर। पता नहीं कहाँ से इतने बंदर आ गए, पहले नहीं थे। मुझे 3-4 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैंने कभी इतने बंदर नहीं देखे। अभी ये लॉकडाउन की मार है क्या है, यूपी में कारोबार नहीं है शायद, इस वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से इतना बंदर आया हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अभी तो एक जगह पे हमारे एक मिलने वाले हैं, उनकी टंकी टूटी हुई थी, जो सिंटेक्स की टंकी होती है वो टूट गई थी, तो बंदर उसमें आराम से नहा रहे थे रोज़। तो वो तो सामने जो उनके लोग थे उन्होंने बताया कि भाई रोज़ बंदर तुम्हारी टंकी के अंदर नहाते हैं। तो उसका जो ढक्कन था ऊपर का टंकी का वो उड़ गया था हवा में, तो वो खुली हुई थी, तो बंदर रोज़ नहा नहा के उसके अंदर जाते थे। और मैं तो सोचता हूँ उसी फैमिली के लोग वो पानी इस्तेमाल कर रहे थे, कैसा लगता होगा उनको, क्या जायका आता होगा पानी के अंदर। खैर दोस्तों मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, क्योंकि हमारी भी टंकी बहुत ऊँचाई पर रखी हुई है, कभी हमारी टंकी का ढक्कन भी टूटा हुआ हो और बंदर उसमें भी नहा रहे हों। और यहाँ बंदर के पानी की चाय लाया हो अभी बना के, कुछ कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में। अभी जाना पड़ेगा ऊपर, कल वाल को जाके ऊपर चढ़ के देखेंगे। वैसे तो खैर मेरी जो टंकी है उसमें चूड़ी होती है, जो ढक्कन होता है उसकी चूड़ी से टाइट हुआ हुआ है वो, मगर बंदर को भी पूरी अकल है, इंसान जो है वो बंदर से ही बना है, तो उसे पूरी अकल है, चूड़ी खोल लेगा और कहीं उसमें आराम से नहा रहे हों। क्योंकि दोस्तों हमारी भी चाय का जायका बदल चुका है, कहीं हमारी चाय का भी जायका बदला महसूस हो रहा है, इस वजह से हमें अपनी भी टंकी चेक करनी पड़ेगी जाके। दोस्तों अभी मुजफ्फरनगर से आते हुए जिस नहर के रास्ते से मैं आया, तो दशहरा था फ्राइडे का, मैं चला था वहाँ से दोपहर में। तो जब हम नहर के पास आ गए तो वहाँ पे एक लड़का गिर गया नहर में, और नहर के पानी का बहाव इतनी तेज़ था, जैसे ही मेरी स्कूटी उधर से निकली तो एकदम से शोर मचा के बचाओ बचाओ। मैंने भी स्कूटी अपनी साइड में लगाई, मैंने सोचा मैं भी देखूं रुक के, मगर मेरे साथ रयान था और ट्रैफिक चल रहा था, तो मैंने उसे छोड़ना बेहतर नहीं समझा। मगर बच्चा था कोई, वो आए हुए थे नहाने के लिए वहाँ पर, उसका पैर फिसल गया और वो एकदम से पानी में, पानी का बहाव बहुत तेज़ था, मैंने खुद देखा, और पता नहीं वो बचा कि नहीं बचा। बस तो दोस्तों बच्चे आ जाते हैं पानी में नहाने के लिए घर वालों को बिना बताए, अच्छा नहीं है, हमें घर से बता कर आना चाहिए। और पहली बात तो ऐसी रिस्की जगह पे नहीं आना चाहिए जहाँ पे पानी का बहाव इतना तेज़ हो। आप लोग अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं वहाँ पर आके, जान जो है दोस्तों बहुत कीमती है, ज़रा सी देर में कोई हादसा हो जाए हमारे साथ, तो हमें हमेशा अपने घर वालों से हर बात शेयर करनी चाहिए। मैं अपने दोनों बच्चों को भी ये समझाता हूँ कि कोई भी बात हो अपने माँ बाप को ज़रूर बताओ, कोई परेशानी हो, कोई अच्छाई हो बुराई हो, सब बताओ अपने माँ बाप को। तो मैं सब बच्चों से भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने माँ बाप को अपने दोस्तों की तरह समझें हमेशा, और उनसे सारी बातें शेयर करें, जो भी उनके दिल में बात है, कोई उनके साथ कुछ अच्छा है हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो सब बताएं उनको वो। दोस्तों मैं तो अपने बच्चों को खैर यहाँ दोनों को बाहर भी नहीं जाने देता, क्योंकि माहौल इतना ख़राब है, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है इस लॉकडाउन की वजह से। काफ़ी चोरी वगैरह डकैती वगैरह काफ़ी होने लगी हैं, काफ़ी मतलब आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है। बच्चों को भी बाहर भेजते हुए डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए खुदा ना खास्ता, तो इस चक्कर में
मैं इन दोनों को बाहर नहीं भेजता बिल्कुल भी, बहुत कमी से ही बाहर जाने को कहता हूँ, और इन लोगों के साथ हमेशा एक दोस्त की तरह रहता हूँ। इनसे यही बोलता हूँ कि भाई कोई भी बात हो तो मुझे बताओ कम से कम। तो हमें यही सीखना चाहिए ऐसे हादसों से कि हम ऐसी जगह पे ना जाएं अपने दोस्तों की बातों में आके कि जहाँ पे हमारी जान का ख़तरा हो। अभी छोटा सा लड़का था वो, मैंने ज़्यादा गौर से मैं देख नहीं पाया, मगर यही सुना था कि बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। तो जाहिर सी बात है वो 14-15 साल का ही होगा। ऐसी जगहों पे दोस्तों आ जाते हैं लड़के इकट्ठे होके और मस्ती करते हैं वहाँ पे, और पैर फिसल जाता है क्योंकि जो पानी की जो जितनी भी जगह होती है ना वहाँ पे वो स्लिप ज़रूर होती हैं वो जगह है। वहाँ पे थोड़ी सी काई जम जाती है जिसकी वजह से वो स्लिपरी हो जाती है वो जगह, और पैर फिसलने का चांस बन ही जाता है वहाँ पे। तो कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं, हमेशा जहाँ पर भी जाएं अपने माँ बाप को बता कर जाएं, और पहली बात तो उनको साथ लेके जाएं, और ऐसी ख़तरनाक जगहों पर तो नहीं जाएं। सच में मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई जैसे ही मैंने स्कूटी उसके पास से निकाली, और एकदम से एक आदमी ने शोर मचाया, अरे पकड़ो पकड़ो, वो पानी में गिर गया, बच्चा पानी में गिर गया। तो मैं ऐसा होपलेस हो गया, मैंने कहा यार बताओ पता नहीं किसका बच्चा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और पब्लिक एकदम से भागने लगी क्योंकि वो पानी के बहाव से इतनी तेज़ आगे जा रहा था बहता हुआ, पब्लिक उधर की तरफ कोई भागने लगी जिधर को वो बह रहा था। अब वो पता नहीं लोगों ने उसे बचाया नहीं बचाया, मगर मैंने वहाँ पे रुकना बेहतर नहीं समझा और मैं वहाँ से चल दिया रयान के साथ। तो दोस्तों कल दिन है संडे का, आज सैटरडे ख़त्म हो चुका है पूरा, शाम के 6 बज रहे हैं, पानी अभी तक नहीं आया है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि कल संडे का दिन है तो हो सकता है मुझे कल सुबह जल्दी सवेरे ही निकलना पड़े मुजफ्फरनगर के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, कुछ है ऐसा जो आप लोगों से अभी छुपाया जा रहा है मगर आपको दिखाएंगे ज़रूर, आपसे वादा है। तो जिसकी वजह से मुझे इस वजह से जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है मुजफ्फरनगर। तो कोशिश यही है कि आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगा कि आखिर ये मुजफ्फरनगर किस वजह से बार बार जाना हो रहा है। तो दोस्तों आज का सारा दिन ऐसे ही निकल गया, और काफ़ी इंतज़ार के बाद पानी अब भी नहीं आया, शाम के 7 बजने वाले हैं और पानी का भी अता पता नहीं है। आज दोपहर से ही पानी गया हुआ है, पता नहीं क्या वजह हो गई है या तो कहीं लाइन में कुछ ख़राबी है। तो अभी इस वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको नई नई मिलती रहें। और मैं आपसे हर दफ़ा वादा करता हूँ कि आपको नई नई वीडियो डालूँगा, मगर दोस्तों कहीं ना कहीं अभी उलझ जाता हूँ, बस कुछ काम है जिनकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता, और एक जैसी वीडियो डालना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार आपको एक जैसी वीडियो ही दिखाता रहूं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ नया दिखाऊं जिससे आप लोगों को भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए उसे। तो दोस्तों आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, जितने भी व्यू आ रहे हैं मेरी वीडियो पर, जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा है चाहे वो कम है, मगर एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर ज़्यादा होंगे। कहते हैं इंसान को हल्के हल्के करके ही हर चीज़ के अंदर कामयाबी मिलती है। तो अभी तो जब पहली वीडियो डाली थी तकरीबन 1-1.5 हफ्ते तक तो यही सोचते रहे कि वीडियो डालें ना डालें, कौन देखेगा यार हमारी वीडियो, कौन देखेगा, हम तो ऐसे ही हैं। मगर पहले 2 व्यू हुए, 10 व्यू हुए, 20 व्यू हुए, 50 व्यू हुए, तो ऐसा लगा कि हाँ लोग बाग देखना चाह रहे हैं। अब बढ़ बढ़ के वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, और जितने भी वो हुए हैं मतलब मेरे तो उतने भी बहुत हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल एक इतना भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इतने भी लोग बाग मेरी वीडियो देखेंगे। लोग बाग अगर लोग कम लगते हैं कि वो कम हैं तो मेरे लिए वो बहुत हैं। अगर मेरी वीडियो पे 200-300 व्यू भी आ गए हैं, सिर्फ मैंने एक शुरुआत करी थी और उसका रिज़ल्ट अभी स्टार्टिंग में ये आया है, तो मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि रफ्तार रफ्तार ही इंसान आगे बढ़ता है, एकदम से कोई आसमान पर जाके नहीं बैठ जाता कि मेरी एकदम से मैं नया चेहरा हूँ, नया हूँ आप लोगों के लिए। अभी आप लोग मेरे बारे में सही से जानते नहीं, फिर भी मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, व्यू भी आ रहे हैं, थोड़े बहुत जितने भी आ रहे हैं हमारे मेरे लिए उतने ही बहुत हैं। तो मैं तो खैर इसी उम्मीद के साथ लगा हुआ हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया दिखाता रहूँ। तो दोस्तों बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत इसी तरह से चाहिए, तो वो मुझे हमेशा देते रहिए। अभी वीडियो में आगे भी दिखाता आपको, मगर थोड़ा सा पानी ने सारा काम ख़राब कर दिया और पानी चला गया। अभी सब दिखाते हैं, हम बाहर भी जाते कहीं नहाए धोए भी नहीं, आज सुबह से देख रहे होंगे आप मुझे, मैं इसी टी शर्ट वगैरह में हूँ, सुबह से आज यही पहन रखा है, आज नहाना भी नहीं हुआ। तो ठीक है दोस्तों, बंद करता हूँ मैं इस वीडियो को, कल आपसे फिर मुलाकात होगी ज़रूर। ओके दोस्तों, बाय।